नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन YouTube चैनल पर। जी हाँ, आज हम अपने वीडियो ट्यूटोरियल का पैटर्न चेंज किए हैं। अब जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं ये काफ़ी थ्योरेटिकल हैं, राइटअप्स काफ़ी ज़्यादा है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गए। इस वजह से PDF को एक्सप्लेन करते हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हिमालय मैथमेटिक्स सेमिस्टर 5, तो यही बुक हम अभी तक रेफर करते आ रहे हैं। एज आई एम वन ऑफ द ऑथर इन दिस बुक, तो बेटर होगा यदि इसका हार्ड कॉपी आपके पास हो तो वीडियो ट्यूटोरियल होने के बाद आप इसे रेफर करके अपने नोट्स साथ ही साथ सेम डे तैयार कर पाएँ। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक इज नेबरहुड्स, क्लोज सेट्स एंड ओपन सेट्स। तो टॉपिक में जाने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो ऑलरेडी हम 12th क्लास तक पढ़े हैं, उसमें सबसे पहले ओपन इंटरवल, देन क्लोज इंटरवल एंड हाफ ओपन इंटरवल्स। सो एन ओपन इंटरवल और सेगमेंट इज रिटन लाइक दिस, ओपन ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट a कॉमा बी इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन a एंड b। दैट इज ओपन इंटरवल ए बी इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल x सच दैट x इज लाइंग बिटवीन a एंड b। हियर द एंड पॉइंट्स a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड। इफ यू इंक्लूड एंड पॉइंट्स a एंड b देन इट बिकम्स क्लोज्ड इंटरवल एंड इट इज रिटन एज स्क्वायर ब्रैकेट में a कॉमा b एंड इट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू b, ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ओके, अब यदि मान लो कभी एक एंड पॉइंट को छोड़ दिया देन इट बिकम्स हाफ ओपन इंटरवल। सो दिस इज a, हियर a इज इंक्लूडेड, b इज एक्सक्लूडेड, वेर एज हियर a इज एक्सक्लूडेड एंड b इज इंक्लूडेड। सो बोथ दीज आर कॉल्ड एज हाफ ओपन इंटरवल्स। हम हमारे रेफरेंस के लिए इन्हें बोला करेंगे सेमी क्लोज इंटरवल। a को इंक्लूड किया है इसलिए इसे रेफर करेंगे सेमी क्लोज इंटरवल, और इसको कहा करेंगे सेमी ओपन इंटरवल। a को ड्रॉप किया है और जनरल टर्म इज हाफ ओपन इंटरवल। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरवल्स। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज के सेल। इफ ए आई इज लेस देन बी आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के देन सेट ऑफ पॉइंट्स दैट इज कलेक्शन ऑफ के टूपल्स एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स के विच इज डिनोटेड बाय एक्स बार एंड दिस के टूपल्स आर एलिमेंट्स ऑफ k डायमेंशनल इक्लूडियन स्पेस। नाउ इफ दिस सेटिस्फाई द कंडीशन दैट एक्स आई इज लाइंग बिटवीन ए आई एंड बी आई देन वी से दैट दोज पॉइंट्स फॉर्म अ k सेल, मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x बार विच इज कलेक्शन ऑफ k टूपल्स वेयर द कोऑर्डिनेट्स दिस x1, x2, xk, एक्सेट्रा सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी एक्स आई लाइंग बिटवीन ए आई एंड बी आई वेयर आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू k एंड i इज नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स। लेट अस टेक एग्जाम्पल इन वन डायमेंशन दिस k सेल इज कॉल्ड एज वन सेल। अब जब वन डायमेंशन की बात करें तो एक k टूपल बिकम वन टूपल दैट मीन्स रियल नंबर ओनली x1 which belongs to r power 1 that is a real number line पर x1 lie करेगा, तो we use only x variable x such that x lying between a and b। ये जो indices है a i b i, जब हम one dimension की बात करें तो वो भी a और b रह गए। तो collection of x such that x is lying between a and b this is one cell। और अभी हमने ऊपर देखा इस तरह का जो कलेक्शन होता है इट इज़ नथिंग बट क्लोज इंटरवल।
सो हियर इट इज शोन इन फिगर, दिस इज क्लोज इंटरवल. यहां से इसको ए इज इंक्लूडेड, ऑल्सो बी इज इंक्लूडेड. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सेट और वन सेल. ओके, नाउ लेट अस मूव टू टू डायमेंशनल, दैट इज टू सेल. अब हमें यहां पर ऑर्डर्ड पेयर्स लगेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वन एक्स टू. तो यहां नोटेशन लेने पड़ेंगे. तो टू सेल इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वन एक्स टू वेयर वेयर एक्स वन इज लाइंग बिटवीन ए वन बी वन एंड एक्स टू इज लाइंग बिटवीन ए टू बी टू. यस, अब ये x1 और x2 को यदि हम हमारे जो नॉर्मल नोटेशन है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई उससे यदि रिप्लेस करें, से इफ x1 इज रिप्लेस्ड बाय x एंड x2 इज रिप्लेस्ड बाय y, सो दिस कंडीशन विल बी x लाइंग बिटवीन a1 से b1 और y लाइंग बिटवीन a2 से b2. सी द फिगर, x लाइंग बिटवीन ए वन से बी वन और y लाइंग बिटवीन ए टू से बी टू. तो ये जो लाइन्स होंगी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये जो लाइन्स होंगी ये लाइन्स का इंटरसेक्शन, दिस लाइन x इक्वल टू ए वन एक्स इक्वल टू बी वन और दिस विल बी y इक्वल टू ए टू और y इक्वल टू बी टू. और हमारे जो x और y है वो इनके बीच में लाए कर रहे हैं, मीन्स दिस विल बी द रीजन, शेडेड रीजन. सो इट इज रेक्टेंगुलर रीजन इंक्लूडिंग बाउंड्री ऑल्सो. सो दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ टू सेल, राइट, इट इज अ रेक्टेंगल. अब यदि इसमें एक डायमेंशन और बढ़ा दें, ऐसा मानकर चलिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन जेड एक्सिस यदि ड्रॉ करें तो जेड एक्सिस के अलावा हमको एक और जो कोऑर्डिनेट है वो कंसीडर करना होगा. सो थ्री सेल विल बी कलेक्शन ऑफ ट्रिपलेट, कलेक्शन ऑफ ट्रिपलेट. तो यहां पर एक थर्ड डायमेंशन इंक्लूड हो जाएगा. तो ऐसा मानकर चलिए कि यदि ये परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रॉ की जेड एक्सिस, तो ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल को यहां से सब बाहर खींचा तो एक बॉक्स जैसा फिगर जनरेट होते दिखेगा. इट इज थ्री डायमेंशनल फिगर एंड विच इज कॉल्ड एज पैरेललोपाइप्ड. इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ थ्री सेल. इसको जनरलाइज किया जा सकता है, जनरल टर्म इज के सेल. तो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ के सेल एंड के सेल इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेफिनेशन इज नेबरहुड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि इसके बाद पूरा जो टॉपिक है उसका ये बेस होगा, डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड. सो लेट एक्स बी अ मैट्रिक्स स्पेस. अब जब मैट्रिक्स स्पेस की बात हो रही है तो इसकी जो चार प्रॉपर्टीज है मैट्रिक की, नॉन नेगेटिविटी, देन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वो हमेशा बैकग्राउंड में होगी. एक्स बी अ मैट्रिक्स स्पेस मीन्स मैट्रिक विल बी डी एंड P is a point in X. Then a neighborhood of a point P is denoted and defined by, this is the notation NRP, and it is defined as collection of points Q in X such that
डिस्टेंस पी क्यू इज लेस देन आर वेयर आर इज ग्रेटर देन जीरो. इसको जरा डायग्राम से समझते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं. सपोज यस, सपोज दिस इज मैट्रिक्स स्पेस, ओके, एंड हियर इज अ पॉइंट पी. नाउ लेट आर बी सम फिक्स्ड डिस्टेंस, आर बी सम पॉजिटिव नंबर, और ये आर डिस्टेंस से जितने पॉइंट्स हो गए, आर डिस्टेंस के अंदर जितने पॉइंट्स हो गए, तो वो सारे पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ नेबरहुड ऑफ पी. ऐसा मानकर चलिए कि पी सेंटर है और आर रेडियस है, तो ये आर रेडियस से लेस जितने पॉइंट्स हो गए एक्स में, इन सब का कलेक्शन, ये जितने भी हमने पिंक डॉट्स लगाए हैं, ये सब का कलेक्शन विल बी कॉल्ड एज नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी. अभी आर को रेडियस माना है तो कई बार इसको आर नेबरहुड ऑफ पी ऐसा भी कहते हैं. द नंबर आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द नेबरहुड एन आर पी. एन आर पी इज कॉल्ड एज आर नेबरहुड ऑफ पी बिलोंग्स टू एक्स. ओके, अब जब ये नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो ये नेबरहुड में पी तो होना जरूरी है. आर ये कितना भी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो नेबरहुड ऑफ पी विल ऑलवेज कंटेन पॉइंट पी. सोचकर देखिए, इफ आर इज जीरो सो दैट विल बी जस्ट अ पॉइंट पी विथ रेडियस जीरो, तो दैट एरिया, दैट सर्कुलर एरिया विल बी जस्ट अ पॉइंट. वैसे तो पॉइंट का कोई डेफिनेशन है नहीं, फिर भी हम उसको समझने के लिए ऐसा कहते हैं कि पॉइंट इज अ सर्कल विथ रेडियस जीरो. तो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी. नेबरहुड इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी बिकॉज इट ऑलवेज कंटेन द सेंटर. नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी बिकॉज इट ऑलवेज कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट, दैट इज पी इटसेल्फ. देयर आर सम अदर नोटेशंस टू डिनोट एन आर पी विच आर एस आर पी. एस आर पी दैट इज स्फीयर विथ रेडियस आर एंड सेंटर पी, और बी आर पी दैट इज बॉल विथ रेडियस आर एंड सेंटर पी. सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स नोन मेट्रिक स्पेस में डिस्कस करते हैं. इफ अवर मेट्रिक स्पेस इज आर वन, मतलब रियल नंबर लाइन, तो रियल नंबर लाइन में जब हम कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे तो दैट पॉइंट विल बी अ पॉइंट, रियल पॉइंट. अब ये पॉइंट पर एक रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करते हैं. सपोज आर इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. सर्कल इमेजिन कीजिएगा इसको. अब क्योंकि हमारे सारे पॉइंट्स रियल नंबर लाइन पर है, तो ये जो ऊपर नीचे की पार्ट है, ये ऊपर नीचे का जो सर्कुलर एरिया है, ये सब गायब, तो हमको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा. सपोज दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी, और एक पर्टिकुलर रेडियस लेके यदि हमने सर्कुलर ड्रॉ किया, ऊपर नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिया, तो बस इतना ही हमको पार्ट मिलेगा. तो दिस डिस्टेंस इज आर, तो दिस पॉइंट विल बी पी माइनस आर एंड दिस विल बी पी प्लस आर, और इसके अंदर के सारे पॉइंट्स, इन सबका जो डिस्टेंस होगा पी से, दैट डिस्टेंस विल बी लेस देन आर. सो दिस बिकम एन ओपन इंटरवल विच इज नेबरहुड ऑफ पी इन मेट्रिक स्पेस आर वन विथ यूजुअल मेट्रिक.
mod of x minus y, d equal to d of xy equal to mod of x minus y. So here nrp is nothing but open interval p minus r, say p plus r, that is a segment. Okay, now if we take our metric space as R2, टू डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, तो जैसा कि आप ये फिगर देख पा रहे, एक कोई पॉइंट होगा, एक कोई पॉइंट होगा, सपोज दिस इज द पॉइंट P, थोड़ा सा बड़ा ले लेते इसको, दिस इज द पॉइंट P, और एक कोई डिस्टेंस R है, तो R रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, R रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस P से लेस देन R होगा. बाउंड्री पॉइंट नहीं आएंगे, बाउंड्री पॉइंट का डिस्टेंस P से एग्जैक्ट इक्वल टू R होगा. और डेफिनेशन कहती है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज लेस देन R, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज लेस देन R. तो बाउंड्री पॉइंट छूट जाएंगे, इसके अंदर जितने पॉइंट्स होंगे, इस सर्कुलर रीजन के अंदर जितने पॉइंट होंगे, दैट विल बी नेबरहुड ऑफ पी विथ रेडियस आर, एंड दिस इज सर्कुलर रीजन. सो इन आर टू एन आर पी इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन साइड द सर्कल विथ सेंटर एट पी एंड रेडियस आर. ओके, अब ये कंसेप्ट को और जनरलाइज करते हैं. इफ अवर मेट्रिक स्पेस इज थ्री डायमेंशनल आर थ्री, तो ये जो फिगर है, अब ये फिगर किस तरह से दिखेगा, यहाँ पर कोशिश करते हैं, ये एक पॉइंट पी हो जाएगा और इस पर ऐसा स्फीयर जैसा, इस पर स्फीयर जैसा स्फीयर, दिस विल बी एन आर पी विथ रेडियस आर, विथ रेडियस आर. ओके, डायग्राम को साथ साथ में इमेजिन कीजिएगा, ये एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं चलेगा, राइट. ठीक से ड्रॉ करें इसको, देखिए ये पहले तो सर्कल, और इसको थ्री डायमेंशनल लुक देने के लिए ये टच होगा यहाँ से, राइट. द डिस्टेंस इज आर, दिस इज आर, सो दिस विल बी एन आर पी इन आर थ्री, मैट्रिक्स स्पेस आर थ्री, विच इज द स्फीयर कंटेनिंग इनर पॉइंट्स इन आर थ्री. नेबरहुड इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन साइड स्फीयर विथ सेंटर एट पी एंड रेडियस आर. So this is very important concept, neighborhood of a point in metric space X. और कई बार हमको ये neighborhood use करना होगा, तो इसका abbreviation use कर रहे हैं, NBD. Okay? ठीक है, आगे topic को continue करते हैं. Yes. सिलेक्ट करके रखते हैं पेन. लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, तो जरा पहले कुछ फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, समझिएगा. सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स, ओके, एंड लेट this be a set E in X. अब जब ये E draw किया है, इसका मतलब हम इसके अंदर सारे points consider करें, this is dense set, okay, सारे points है ये, इसके अंदर ये पूरा E, पूरा dense है, बिल्कुल ऐसा समझिए, वहाँ कहीं कोई gap नहीं है, right, पूरा शेड भी कर सकते हैं,
चलो कर देते हैं, सपोज दिस इज ई, ठीक है. नाउ कंसीडर अ पॉइंट पी ऑफ एक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ पॉइंट पी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई. ओके, तो अब एक पॉइंट ले रहे हैं जिसकी क्या क्या सिचुएशन होती है ये समझिएगा. यदि ये पॉइंट हम अंदर ले, ई का ही कोई पॉइंट ले, तो ई सबसेट ऑफ एक्स, तो यस वी कैन से दैट पी इज अ पॉइंट ऑफ एक्स. अब इस पी पर यदि हम नेबरहुड कंसीडर करें, नेबरहुड कंसीडर करें, ये एक नेबरहुड हो गया, ये दूसरा नेबरहुड हो गया, ऐसे कई नेबरहुड पी पर तैयार किए जा सकते हैं. तो ऑब्जर्व करेंगे कि एवरी नेबरहुड कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ई अदर देन पी, है ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये सभी नेबरहुड में. तो पी के अलावा ई के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ. तो इन सच केस वी से दैट दिस पी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई, राइट. अब जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर और कुछ पी की पोजिशन चेंज करके समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट एक्स बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ई सबसेट ऑफ एक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ पॉइंट पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ई इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ई अदर देन पी. ओके, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पी मस्ट बी पॉइंट ऑफ एक्स एंड एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ई अदर देन पी, डिफरेंट फ्रॉम पी. तो जब वो पॉइंट पी ई का ही पॉइंट है और ई डेंस्ड है, डेंस है, तो पी बिकम्स लिमिट पॉइंट ऑफ ई. अब जरा दूसरा सिचुएशन देखते हैं. यदि मान लो हम पॉइंट यहां ले, बाहर ले, ओके, ये पॉइंट ले ले पी. अब यहां पर हम सभी नेबरहुड यदि कंसीडर करें, तो जैसे कुछ नेबरहुड तो यहां ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये नेबरहुड में ई का तो कोई पॉइंट आ नहीं रहा है. थोड़ा सा बड़ा रेडियस यदि हो, थोड़ा सा बड़ा रेडियस हो, तो ई के कुछ पॉइंट इसमें आते दिख रहे हैं. बट डेफिनेशन सेज एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ई अदर देन पी. ये बड़ा रिदमिक सेंटेंस है, एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ई अदर देन पी. इसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा. तो ऐसी सिचुएशन में ये जो डेफिनेशन है ये फुलफिल नहीं होते दिख रही. Therefore, this P will not be a limit point of E. Okay? और जरा different situation देखते हैं. यदि यहाँ पर ये बिल्कुल boundary पर, E की boundary पर यदि मान लो हमने कोई P लिया, E की boundary यहाँ यदि P लिया, अरे mix हो गया color, blue लेना है ना हमको, यस ये पॉइंट लिया, बाउंड्री पर है. अब इस पी के लिए यदि हम नेबरहुड ड्रॉ करें, ये पी पर यदि नेबरहुड ड्रॉ करें, कितने भी स्मॉल रेडियस का नेबरहुड ड्रॉ करें, तो एवरी नेबरहुड विल कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट, ये यहाँ पर ब्लू शेड दिख रहा है नेबरहुड में, तो एवरी नेबरहुड ऑफ दिस पी विल कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ई अदर देन पी. So this point will be limit point of E. तो ये तो हमने कुछ example लेकर देखे यहाँ पर abstract sense में. अब कुछ उसके particular examples देखते हैं. I think this much is sufficient to understand the definition of limit point of set E and that E is in matrix space X. Okay? चलिए कुछ example देखते हैं. अच्छा साथ ही साथ में
अब यहाँ पर बहुत सारे पी हो सकते थे, ये बहुत सारे पी हो सकते, ये बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स, ये बाउंड्री के जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सब लिमिट पॉइंट हो सकते थे ई के, ओके। अच्छा, बाउंड्री से अलग हटकर थोड़ा सा दूर, बाउंड्री से थोड़ी दूर के बाद में यदि कोई पॉइंट लिया, देखो थोड़ा पहले एब्स्ट्रैक्ट सेंस में इसको समझ लेते, ये यहाँ पर लिया तो कुछ गैप नज़र आ रही है, वो ई और ये पॉइंट पी के बीच में कुछ गैप नज़र आ रही है, तो ये गैप से छोटी रेडियस का यदि हमने नेबरहुड ड्रॉ किया तो दैट नेबरहुड विल नॉट कंटेन पॉइंट ऑफ ई, डिफरेंट होगा वो, तो वो नेबरहुड बिल्कुल डिसजॉइंट होगा ई से, सो दैट विल नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ई। हाँ, सारे बाउंड्री पॉइंट्स, इस केस में सारे बाउंड्री पॉइंट्स लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, सारे अंदर के पॉइंट्स लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, तो लिमिट पॉइंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सो कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट, derived set is denoted by e dash, the set of all limit points of e is called derived set of e and it is denoted by e dash। ऊपर आप देख पा रहे हैं limit point के लिए और भी different terms use होते हैं, cluster point, condensation point और accumulation point of set, right? इसको symbolically यदि लिखना हो लिमिट पॉइंट को, तो देखिए यहां पर है ये पार्ट, P बिलोंग्स टू X इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ E विच इज सबसेट ऑफ X, इफ इंटरसेक्शन ऑफ N आर P यानी नेबरहुड ऑफ P और E डिलीटिंग सिंगल पॉइंट P, E में से P को डिलीट कर दिया क्योंकि हमको पॉइंट्स ऑफ E डिफरेंट फ्रॉम P चाहिए, तो ये दो सेट का इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी यदि हो, तो जो हम वर्ड्स में बात कर रहे हैं एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ई अदर देन पी, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए ये नोटेशन हम फॉलो करेंगे, एन आर पी इंटरसेक्शन सेट ऑफ ई डिलीटिंग पी इज नॉन एम्प्टी वेयर आर इज पॉजिटिव, ओके। Now, let us take some particular examples. So, this is a first example. Let A be a closed set 0, 1 and metric space as a set of real numbers R. So, यहाँ पर हमारा metric space हो गया, ये पूरी real number line है, ये पूरी real number line है हमारी R, मतलब metric space, और इसमें हम बात कर रहे हैं एक सेट की, तो इट इज क्लोज्ड सेट, ये 0 and 1 आर इंक्लूडेड, ओके। अब पहले एंड पॉइंट्स की बात करते हैं, ये एंड पॉइंट्स की बात करते हैं, यदि ये पॉइंट लिया हमने, थोड़ा सा इसको डार्क लेते हैं, राइट, ये 0 लिया, अब ये 0 पर हम कितना भी स्मॉल रेडियस का यदि नेबरहुड ड्रॉ करें, देखो ओ ओ ओ ओ, ओ वन मिनट, ये पॉइंट लिया 0, बड़ा हो गया, ठीक, यहाँ पर पॉइंट है 0 और अब हम नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, तो ये नेबरहुड जब ड्रॉ करेंगे तो ये नेबरहुड में 0 के राइट में कुछ ना कुछ पॉइंट डेफिनेटली रहेंगे जो इस नेबरहुड पे होगा, और भी कोई रेडियस का यदि मान लो थोड़ा और स्मॉल रेडियस का ले, 0 पर नेबरहुड ले रहे हैं, तो एवरी नेबरहुड ऑफ 0 विल कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ आर डिफरेंट फ्रॉम 0, सो वी कैन से दैट 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, राइट। अब बात करते हैं इसकी, 1, सपोज 1 इज द पॉइंट, अब ये 1 पर हम नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, स्मॉल रेडियस का नेबरहुड ले लिया और थोड़ा सा बड़ा नेबरहुड ले लिया और थोड़ा सा बड़ा नेबरहुड ले लिया, तो ये 1 को सेंटर मानकर यदि हम जितने भी नेबरहुड कंसीडर करें तो एवरी नेबरहुड विल कंटेन ये राइट, इसके लेफ्ट साइड में 1 के लेफ्ट साइड में पॉइंट्स होंगे नंबर लाइन के, तो एवरी नेबरहुड विल कंटेन पॉइंट ऑफ ए
other than 1. Means 1 become limit point of set A. Okay. अब यदि इसके अंदर ये 0 और 1 के अंदर कोई पॉइंट ले, मान लो यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, अब इस पर यदि हम नेबरहुड ड्रॉ करें, अब ये तो डेंस सेट है ना, क्लोज इंटरवल 0 1, तो सारे पॉइंट्स हैं यहां पर, इसको यदि कितना भी स्मॉल रेडियस का आप नेबरहुड ड्रॉ करो, ऑल नेबरहुड विल कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट अदर देन दैट पी एंड दैट पॉइंट बिलोंग्स टू आर. सो कोई भी अंदर का यदि हमने पॉइंट लिया, इट बिकम्स लिमिट पॉइंट, राइट. अच्छा, ये तो बात हो गई, हम पॉइंट ले रहे थे ए का, हमने पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर बाद में उन दोनों के बीच का कोई पॉइंट लिया, यानी ये जो हम एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन देख रहे थे, यहाँ जो एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे थे, उसका एक ये पर्टिकुलर एग्जांपल नजर आ रहा है. अब बात करते हैं, ये जो पॉइंट पी है जिसको हमको लिमिट पॉइंट कहना है, ये पॉइंट जरूरी नहीं ई का हो, ये पॉइंट तो एक्स का चाहिए. तो यदि मान लो हम ए के बाहर कोई पॉइंट लें, देखते वो लिमिट पॉइंट हो सकता है क्या. तो पहले यहाँ पर एक नई फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक नया फिगर देख लेते हैं. ये हमारा आर है और ये क्लोज इंटरवल मान लो 0 1 है. ओके, ये 0 और ये 1. अब कोई दूसरा पॉइंट ले दें यहाँ पर, ये दूसरा पॉइंट लिया, हाँ ब्लैक कलर से ले लेते हैं. नाउ सी, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ आर, इट इज नॉट पॉइंट ऑफ ए. अब ये लिमिट पॉइंट हो सकता है क्या. तो यहाँ 1 और ये पॉइंट के बीच में काफ़ी गैप दिख रही है, मान लो ये पॉइंट 1.5 है, तो 0.5 की गैप है, तो 0.5 से कम रेडियस के हम कई नेबरहुड्स ड्रॉ कर सकते हैं, वो नेबरहुड पूरी तरह से ए से डिस्टिंक्ट हो गए, ए से डिस्टिंक्ट होंगे. तो एक नेबरहुड भी ऐसा मिल जाए कि जो ए का कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा हो, तो पॉइंट विल नॉट बी अ लिमिट पॉइंट. ओके, एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ई डिफरेंट फ्रॉम पी. ये डिफरेंट फ्रॉम पी मतलब जब पी ई का पॉइंट होगा, तो इसके अलावा ई के कोई और पॉइंट उस नेबरहुड में होना चाहिए. तो यहाँ ऐसे हम कई नेबरहुड 0.5, जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे 1 और 1.5 लेकर, तो 0.4 रेडियस का यदि नेबरहुड ले ले, 0.3 रेडियस का नेबरहुड ले ले, तो ये सारे नेबरहुड ई इस केस में ए का कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर रहे. सो नो पॉइंट अदर देन पॉइंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 विल बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए हियर फॉर दिस एग्जाम्पल. ओके, तो इनका यदि हमको कलेक्शन लिखना है, डिराइव सेट का कलेक्शन लिखना है, तो वो कलेक्शन लिखा जाएगा, ये सब रब कर देते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर कर ली है, ये आप रीड कीजिएगा. तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, ओहो पेन सिलेक्ट करना होगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स वन मिनट जरा टेक्नोलॉजी के साथ में. ओके, अब हाइलाइटर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है. द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए दैट इज डिनोटेड बाय ए डैश इज द कलेक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 इज नथिंग बट क्लोज इंटरवल 0 1. ओके, गिवन सेट ए था, उसका डिराइव सेट भी वो खुद ही है इस सिचुएशन में. अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, चलिए लेट बी अनदर सेट बी सेमी ओपन इंटरवल 1 2. ओके, तो इसको जरा यहाँ ड्रॉ करते हैं,
पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। वन की तरफ से ओपन है, टू की तरफ से क्लोज्ड है। दिस इज वन टू। अब यदि मान लो इसके अंदर का कोई, अच्छा इसके सारे पॉइंट्स हैं यानी डेंस सेट है ये। अब यदि ये पॉइंट हमने पी लिया तो एवरी नेबरहुड विल कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ बी अदर देन दिस पॉइंट। ओके, सो कोई भी अंदर का पॉइंट लिया तो इट बिकम्स अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी। एंड पॉइंट के बारे में भी वही सिचुएशन होगी। इस पर नेबरहुड यदि लेंगे तो हमको लेफ्ट में पॉइंट मिलते चले जाएंगे, तो दिस एंड पॉइंट टू विल बी लिमिट पॉइंट ऑफ बी। अब ये एंड पॉइंट को देखते हैं। वन यदि हमारा पॉइंट है वन, अब वन तो सेट का पॉइंट नहीं है, बी का पॉइंट नहीं है, लेकिन ये वन लेकर यदि हम कितना भी स्मॉल रेडियस का नेबरहुड ड्रॉ करें तो ऑल नेबरहुड विल कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट। उसके राइट में होगा, वन के राइट में पॉइंट्स होंगे, तो ऑल नेबरहुड्स विल कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट अदर देन वन। देयरफॉर दिस वन विल ऑल्सो बी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट बी। ओके, दो वन इज, ओहो हाइलाइटर लेना था। सो दो वन इज नॉट द पॉइंट ऑफ बी बट वन इज लिमिट पॉइंट ऑफ बी। बाहर के पॉइंट्स तो नहीं होगी लिमिट पॉइंट, अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था। सो कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स फॉर दिस सेट बी इज बी डैश विच इज सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग बिटवीन वन एंड टू इंक्लूडिंग वन एंड टू, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल वन टू। ओके, सो अभी हमने देखा इस एग्जाम्पल में कि वन वॉज नॉट द पॉइंट ऑफ बी बट इट इज लिमिट पॉइंट। इसका मतलब जो लिमिट पॉइंट है, सेट का लिमिट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम बी का, तो जरूरी नहीं कि वो सेट में हो, राइट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो हमने यहाँ पर फिगर से ड्रॉ किया। आप बड़ी आराम से पढ़ के साथ ही साथ वीडियो होने के बाद नोट्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ लेट अस टेक थर्ड एग्जांपल सी, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय n एक्सेट्रा एंड x इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो ये सेट कैसा होगा इसको जरा ड्रॉ करते हैं। ये सेट आपको ऐसा नंबर लाइन मिल गई और यहाँ पर 1 1/2 है, तो यहाँ पर कहीं पर 0 बोल देते हैं और यहाँ ले लेते 1। अब जो पॉइंट्स है तो ये 1/2 हो गया, हाफ, राइट। फिर और कहीं 1/3, 1/3, ये 1/3, 1/4, ये इंटरवल का हाफ 1/4। ओके, तो ऐसा करते करते ये जो पॉइंट्स है ये 0 के पास पास पहुंचते जाएंगे। सपोज दिस इज 1/10, 1/10, तो 0 और 1/10 के बीच में गैप है 0.1 की, एंड 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ सी। ओके, सो कुछ इस तरह से सिचुएशन दिखेंगी हमको, ऐसी सिचुएशन दिखेंगी। दिस इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, दिस इज अवर सेट सी। अब देखो 1 और 1/2 के बीच में काफी गैप है, तो यदि हम ये 1 को लिमिट पॉइंट के लिए चेक करें, यस दिस इज पॉइंट ऑफ सी, इसको लिमिट पॉइंट के लिए यदि चेक करें तो यहाँ पर ये नेबरहुड ड्रॉ करते हैं। एक नेबरहुड भी ऐसा मिल जाए कि जिसमें सी का कोई और पॉइंट नहीं आ रहा हो अदर देन 1, तो दैट विल नॉट बी अ लिमिट पॉइंट। तो यहाँ तो हमको काफ़ी सारे नेबरहुड मिल रहे हैं जिसमें सी का 1 तो है लेकिन 1 के अलावा जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स नहीं हैं, सो देयरफॉर 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट। सेम इज द सिचुएशन फॉर हाफ, एक नेबरहुड ये दूसरा नेबरहुड, ऐसे बहुत से नेबरहुड यहाँ तैयार हो सकते हैं। ये गैप को फिल करते हुए जितने भी हम रेडियस के नेबरहुड लेंगे तो वो सभी नेबरहुड में हाफ है
लेकिन सी का कोई और पॉइंट नहीं है, देयरफॉर हाफ इज ऑल्सो नॉट लिमिट पॉइंट। ऐसा करते करते सारे पॉइंट्स चेक करते चले जाइएगा, कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट हमको नहीं मिलने वाला। लेकिन लिमिट पॉइंट के लिए पॉइंट सेट में होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, पॉइंट तो हमको एक्स का चाहिए। तो लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट जीरो, दिस इज द एलिमेंट ऑफ आर। अब ये जीरो पर कितना भी स्मॉल रेडियस का यदि हम नेबरहुड ड्रॉ करें तो ये जीरो के लेफ्ट राइट में, इस केस में जीरो के राइट में हमको सी के पॉइंट्स मिलते जाएंगे। देखो 1/10 जीरो के पास था, कितने डिस्टेंस पे, 0.1 डिस्टेंस पे। यदि 1/100 की बात करें, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे, 1/11, 1/12, हम 1/100 लेते, जीरो के और पास में आ गया। 1/1000 लेते, जीरो के और पास में आ गया। तो इस तरह से जीरो के पास में इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स दिखते चले जाएंगे इस सेट के। ये बाकी तो पॉइंट्स दूर दूर में हैं, लेकिन जीरो के पास में ऐसा क्लस्टर जमा, बहुत बहुत ऐसा एक के पास बहुत वेरी इप्सिलॉन डिस्टेंस से पॉइंट सेपरेटेड होते दिखेंगे। तो जीरो पर कितने भी स्मॉल रेडियस का यदि हम नेबरहुड ले लें तो ऑल नेबरहुड विल कंटेन सम पॉइंट ऑफ सेट सी अदर देन जीरो। सो जीरो बिकम अ लिमिट पॉइंट ऑफ सी। ओके, नाउ जीरो इज नॉट द पॉइंट ऑफ सी, वो तो यहां दिख भी नहीं रहा है, वो होगा भी नहीं, बट इट इज लिमिट पॉइंट ऑफ सी। तो ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे सर। आफ्टर दिस, यस, जीरो का यदि नेबरहुड लिया तो जीरो का नेबरहुड और सी में से जीरो माइनस किया, वो तो है ही नहीं वहां, तो दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी फॉर एनी पॉजिटिव रेडियस आर, देयरफॉर जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ सी। दस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सी, दैट इज सी डैश, इज सिंगलटन सेट ऑफ जीरो। ओके, सिंगलटन सेट ऑफ जीरो, एंड जीरो इज नॉट द पॉइंट ऑफ C. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेट ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा, और इधर लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 एक्सेट्रा। हर नंबर के बीच में गैप है। तो जो अभी एक्सप्लेनेशन इस एग्जाम्पल के लिए था, सेम एक्सप्लेनेशन से नो पॉइंट ऑफ जेड विल बी लिमिट पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ जेड विल बी, नो पॉइंट ऑफ इवन आर will be limit point of z. Okay. If we take set of rational number as our set, or real number as metric space, set of metric space, then every real number is limit point of Q, because every neighborhood of real number x contain at least one rational number other than the considered point. Densely लगे हुए होते हैं number line पर rational number, irrational numbers. So इस case में every real number is the limit point of set of rational number, because every neighborhood of a real number x contain a rational number. So इस केस में Q dash की यदि बात करना होगा, Q dash collection of all limit points. So इस केस में Q dash is equal to complete R. Okay. Now limit 12th class तक पढ़ रहे थे हम, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, आज हमने नई टर्म पढ़ी लिमिट पॉइंट। तो ये लिमिट और लिमिट पॉइंट में कंफ्यूजन हो सकता है, तो देखते हैं क्या इन दोनों में डिफरेंस हो गया।
remarks, the term limit and limit points, the term limit and limit points may create confusion. A sequence of points x1, x2, xn may have a limit but may not have a limit point. Similarly, set of points of sequence may have a limit point but cannot have a limit. तो जरूरी नहीं है लिमिट है तो लिमिट पॉइंट होगा या लिमिट पॉइंट होगा तो लिमिट होगी. दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स. लिमिट इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक. ये रिजल्ट पड़ा हुआ है जब लिमिट इंट्रोड्यूस हुआ था. तो किसी सेट के लिए यदि लिमिट होता हो तो दैट लिमिट मस्ट बी यूनिक. लेकिन किसी सेट के लिए लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होते हो तो अभी हमने देखे कई एग्जाम्पल, देयर मे बी मोर देन वन लिमिट पॉइंट्स. Okay, so here is that statement. If a limit of a sequence exists, then it must be unique. But set may have infinitely many limit points. Okay, and ye C se related jo remark hai, the limit point of set may or may not be in the set. For example, 0 is the limit point of set C, where 0 is not the point of C. इसके पहले भी हमने सेमी ओपन इंटरवल का केस देखा था, सेट B सेमी ओपन 1, 2, तो 1 वॉज लिमिट पॉइंट बट 1 इज नॉट द पॉइंट ऑफ B. तो ये सिचुएशन हो सकती है. Now one more definition, then we will stop. Let X be a metric space and E is subset of X. Okay. Now, अभी तक हम limit point की definition पढ़ते समय P belongs to X की बात कर रहे थे, और P यदि set का point है, E का point है, और वो condition fulfill करता हो, every neighborhood of P contain at least one point of E other than P, तो वो limit point हो रहा था E का. लेकिन यदि P का point, E का कोई point P limit point न हो तो it is called as isolated point of E. ये example में देखिए, ये इतने सारे जो पॉइंट्स है सी के, इतने सारे जो पॉइंट्स है, वन इज पॉइंट ऑफ सी बट इट इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ सी. सो बाय दिस डेफिनेशन वन बिकम्स आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सी. सिमिलरली हाफ इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सी, 1/3 इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ, ऑल पॉइंट्स आर आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ सी. ओके, सो कंप्लीट डेफिनेशन इज, let X be a metric space and E is subset of X. Now if P belongs to E and P is not limit point of E, then P is called isolated point of E. Right? अच्छा, जो हमने problem B लिया था semi open interval 1, 2 का, तो 1 was element of B. One was element of B and it is limit point. ये बात हो रही है set का वो point जो limit point ना हो, is called isolated point. तो ऊपर एक example देख ही लिया हमने C का, और set of integers में दिखते हैं हमको, set of integers में नजर आएंगे, every point of set of integers in matrix space R is isolated point of Z. तो अच्छे से ये जो कंसेप्ट आज डिस्कस किए हैं, लिमिट पॉइंट, उसके पहले नेबरहुड, देन लिमिट पॉइंट, फिर आइसोलेटेड पॉइंट, एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप साथ साथ नोट्स बनाइएगा. अभी काफी डेफिनेशंस है एग्जैक्ट रिजल्ट्स प्रूव करने के पहले, तो ऐसे एक 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 वीडियो में पहले हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे और फिर इसके रिजल्ट्स और एग्जाम्पल ये प्रूव करेंगे. आज यहां रुकते हैं.
उम्मीद है कि ये जो पैटर्न है ये पैटर्न आप पसंद करेंगे। इतनी सारी लिखने की बातें हैं इसमें, इसलिए समझने पर फोकस कीजिएगा। लिखा हुआ तो बुक में मिल जाएगा, यदि आप हार्ड कॉपी अरेंज कर लें तो बेटर होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, जय गणित।